मुंबई बड़ौदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 150 साल पुरानी रास्ते की कनेक्टिविटी बंद होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। इसको लेकर ग्रामीणों ने निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई बड़ौदरा एक्सप्रेसवे पर धरना लगा दिया और धरने का आज तीसरा दिन। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहना रोड सैकड़ों साल पुराना है और यहां से करीब 80 से 90 गांवों से ज्यादा के लोगों का आना जाना आए दिन रहता है। ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र मोहना रोड ही है, लेकिन इस पर दिल्ली मुंबई बड़ौदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण कनेक्टिविटी बंद हो गई है और जो कनेक्टिविटी दी गई है वह थोड़ी दूरी पर है, इसलिए ग्रामीणों को वहां से घूमकर जाना पड़ेगा। उनकी मांग है कि जब तक मोहना रोड पर कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी तब तक वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे और साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, महापंचायत भी की जाएगी। किशन सिंह चहल, गांव चंदावली। रणनीति ये है, अभी तो थोड़ा सा 8-10 तारीख तक तो हमारा बहुत कम संख्या में धरना चलेगा, क्योंकि हमने वो बताई हुई है एक भाई ब्याह शादी है जो अपने लोग काम कर लें, उसके बाद जो धरना मजबूती के साथ चलेगा। और धरना में की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम पर दूसरा तरीका, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मांग की यही है कि हमारा एल्टीवेटर दिल्ली बड़ौदा उस पर पुल पे हाईवे वो पुल बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हमें हमारे गांव को ना 80 गांवों को परेशानी है, 80 गांवों को इतनी परेशानी है, ये KGP KMP पे भी जोड़ा जा रहा है, ये जो रास्ता है जो पुल बनेगा KGP पे जा रहा है रास्ता, हमारा पीछे से 4 लेन बनता आ रहा है और यहाँ के रास्ता रोका जा रहा है। स्कूलों को स्कूल हमारे तो कॉलेज स्कूल सारे अपने नहर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा धरना जो है, हमारा क्या 80 गांवों का धरना है, बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है एक उसके बाद में 10-12 तारीख के बाद में, उस दिन ये निर्णय लिया जाएगा करना क्या है। हाँ जी, मेरा नाम मास्टर सतवीर सिंह जी है। ये मुख्य मांग है जी, हमारे विशेष मांग यही है कि हमारा ये पुल बनना चाहिए, क्यों बिना पुल के तो बिल्कुल बच्चे स्कूल इधर है, +2 स्कूल है, लड़की भी जाती है, लड़का भी जाते हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, उनके बड़ी परेशानी हो जाएगी, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। फिर ये KGP जितने उससे भी जुड़ा हुआ है, यही रास्ता जोड़ता है उसे जो चढ़ते हैं ऊपर, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ये अदर स्टेशनों से जुड़ा हुआ है रास्ता, ये बहुत पुराना रास्ता है, अंग्रेजों के जमाने का रास्ता है ये, अब इसे सरकार बंद करना चाह रही है तो इसे बंद कैसे हो जाने देंगे आप। धरना चलता का अंत, जब तक ये मांगे नहीं माने जाएंगे तब तक धरना चलता रहेगा।